मुजफ्फरपुर में महिला ने युवक को चप्पल से जमकर पीटा। घर में घुसकर महिला से आरोपी ने की थी छेड़खानी की कोशिश। पंचायत ने सुनाई 50 चप्पल मारने की सजा। भरी पंचायत में महिला ने की धुनाई। 130 दिन बाद आज खुल रहे 10वीं के स्कूल। 50% उपस्थिति के साथ होगी पढ़ाई। बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जरूरी। दक्षिण बिहार में फिर बारिश का इंतजार। 10 अगस्त तक छाए रहेंगे आसमान में बादल। 38 जिलों में 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। उत्तर बिहार में ब्लू अलर्ट। बिहार में अनलॉक 5 आज से लागू। कोचिंग सिनेमा हॉल 50% क्षमता से खुलेंगे। शॉपिंग मॉल भी ऑल्टरनेट खुलेंगे। सार्वजनिक वाहनों पर भी प्रतिबंध हटा। पटना में अपराधियों का बोलबाला। बाइक सवार अपराधियों ने खेमनी चक में 62 साल के व्यक्ति की कर दी हत्या। कंकड़बाग के अशोक नगर में भी चली गोली। बिहार में 13 अगस्त से कीजिए मूवी का प्लान। सरकार ने दिया आदेश, लेकिन 7 अगस्त से नहीं खुल रहे सिनेमाघर। लगाने के लिए कोई मूवी नहीं। द कंज्यूरिंग के साथ होगी ओपनिंग। बेहटा में दवा व्यापारी को मारी गोली। अपराधियों ने दवा व्यापारी को मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद पिस्तौल लहराते हुए फरार। 6 दिन में बिहार में 287 नए मामले अनलॉक। बिहार में कोरोना को लेकर रहे सावधान। तीसरी लहर के खतरे के बीच गाइडलाइन का कीजिए पालन। मौत का आंकड़ा छिपाने वाले विभाग का नया कारनामा। इलाज में लापरवाही से मरीजों की जान लेने वाले पुष्पांजलि हॉस्पिटल पर नहीं कराया गया FIR। लाइसेंस रद्द कर मामले की लीपापोती। बंद ट्रेनों को लगातार चालू कर रही है रेलवे। 10 अगस्त से चलेगी पाटलिपुत्र सहरसा एक्सप्रेस और बरवाड़ी पैसेंजर। आज से पटना जंक्शन और बरौनी के लिए भी चलेगी मेमू स्पेशल। वैशाली में निजी फाइनेंस कर्मी की हत्या। बेखौफ अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आंख के पास लगने से हुई मौत। बघा में मगरमच्छ रोक रहे रास्ता। अंधेरे में पिपरा पिपरा से तटबंध की सड़क पर आ जाते हैं मगरमच्छ। पार होने के लिए आधा घंटा करना पड़ता है इंतजार। सिवान में बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर। रिश्तेदार को देखने डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे पति पत्नी। सड़क हादसे में पत्नी की गई जान, पति गंभीर। ललन सिंह के सामने लगे अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे। ललन सिंह के शो में मचे बवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधी चुप्पी। कहा, कुछ लोगों का काम है विरोध करना, इसलिए उस पर क्या ध्यान देना। जाति जनगणना के मसले पर पटना की सड़कों पर उतरे RJD कार्यकर्ता। पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर पर रोका। लोजपा नेता भगवान सिंह कुशवाहा JDU में हुए शामिल। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिलाई सदस्यता। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सिवान में 30 सूत्रीय मांगों को लेकर राजद ने निकाला मार्च। जमकर हुई नारेबाजी। सिवान DM को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। माई के मंदिर में महिला को पीटा। दरभंगा के श्यामा माई के दरबार में नारी शक्ति का अपमान। पुजारी ने महिला को बाल खींच कर पीटा। मंदिर ने पुजारी को हटाया। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, खून पसीना लगाकर JDU का नंबर 1 पार्टी बनाना है। CBSE की मनमानी पर बिहार में उबाल। वेबसाइट पर नहीं जारी की गई गाइडलाइन। स्टूडेंट में बढ़ रहा आक्रोश। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा, धधक रही मनमानी की आग। गया में एक ही रात 3 घरों में भीषण चोरी। नकदी समेत लाखों के आभूषण और कीमती सामान ले उड़े चोर। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को दी हत्या की धमकी। मुजफ्फरपुर में प्रेमी युगल को मिली हत्या की धमकी। IG से लगाई सुरक्षा की गुहार। दो प्रेमी की पीट पीट कर हो चुकी है हत्या। पटना में नवविवाहिता को मारकर पंखे से लटकाया। मायके वाले बोले, ससुराल वालों ने दहेज के लिए पहले गला दबाकर हत्या की, फिर आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया। जातीय जनगणना को लेकर RJD के आंदोलन से गदगद हैं तेजस्वी। कहा, शानदार जानदार और दमदार रहा विरोध प्रदर्शन। अर्घ्य हम देली तुहार। बाढ़ से बचावा छठी मैया। वैशाली के लोगों ने बाढ़ से बचाने के लिए लगाई छठी मैया से गुहार। दानापुर मंडल रेल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। 60 सेकेंड में 250 लीटर उत्पादन। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। बाढ़ में डूबे कई गांव, हाई अलर्ट पर इंजीनियर। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की कार से शराब तस्करी। तस्करी करने के लिए धंधेबाज अपना रहे थे नए हथकंडे। गाड़ी में डॉक्टर का स्टिकर चिपका कर जा रहे थे। पुलिस ने की छापेमारी तो गाड़ी से मिले 181 लीटर शराब। 2 गिरफ्तार। बिहार में फिर बड़ी बैंक लूट। समस्तीपुर में अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया से लूट लिए 16 लाख।
बेतिया में नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। किरासन तेल में केमिकल मिलाकर लोगों को नकली डीजल बेचते थे धंधेबाज। पुलिस ने छापेमारी कर पिकअप वैन सहित 2500 लीटर किरासन तेल का केमिकल पाउडर किया जब्त। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज जेड न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।